दिल्ली के हौज खास में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। रथ यात्रा दोपहर करीब 2 बजे हौज खास के जगन्नाथ मंदिर से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई, जो 5 बजे तक चली। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस उत्सव को साल भर से हम लोग इंतजार करते हैं। सामाजिक समरसता की अनोखा महापर्व, जिसमें गरीब धनी या कोई जात ना कोई पात, समाज के सभी लोग, विश्व भर के लोग, पूरी से लेकर विश्व भर की अनेक स्थान पे आज उत्साह के साथ रथ यात्रा मना रहे हैं। मैं आज के अवसर पे विशेष करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसको पालन किया। रथ यात्रा शुरू हो गई है। मैं आज के अवसर पे प्रभु के पास कामना करता हूँ, विश्व की और मंगल हो, भारत के ऊपर और कृपा रहे और हमारी राज्य उड़ीसा सर्वोच्च स्थान पे जाएं, यही प्रभु के पास कामना है। जय जगन्नाथ। और आइए नजर डालते हैं आज आपके सीएम क्या कर रहे हैं। गुजरात से खबर है जहां सीएम विजय रूपाणी आज सुबह अहमदाबाद में थे, जहां वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम रूपाणी ने जूनागढ़ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी आज रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में शामिल हुए। इस रथयात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में साइकिल चलाकर पहुंचे। शिवराज ने लोगों से भी साइकिल चलाने की अपील की और कहा कि भोपाल दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनेगा। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम सुना। सीएम के साथ कई और लोगों ने भी पीएम के मन की बात प्रोग्राम रेडियो पर सुना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो पर मन की बात से उन्हें प्रेरणा मिलती है। हरियाणा में प्रदेश की 54 मंडियों को ऑनलाइन किया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि वो कृषि को जोखिम फ्री करने के लिए और भी कदम उठा रहे हैं। इसके तहत फसल का समय पर इंश्योरेंस भी किया जा रहा है।